तो बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की स्टैंडरलॉन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की स्टैंडलॉन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडरलॉन रिजल्ट ही चेक करेंगे तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं सो डिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 14,159.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड डिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोसीमटली ट्वेल्व थाउजेंड करोड का इनकम जनरेट किया था एंड डिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर में इलेवन करोड का इनकम तो इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो डिसंबर अगर इस कंपनी की बारे में बात करें तो दिसंबर थाउजेंड फाइव क्वार्टर में कंपनी ने सिक्स सेवन क्रोर्स का खर्चा किया था सप्टेंबर ट्वेंटी की क्वार्टर में कंपनी ने नाइनटी फाइव का खर्चा किया था डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमटली नाइनटी करोड का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अब अगर यहां से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए इन तीनों क्वार्टर्स की तो डिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमटली ट्वेंटी फाइव पॉइंट की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रोसीमेटली ट्वेंटी एंड डिसंबर ट्वेंटी की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रोक्सिमेटली एटीन के आसपास तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव में निकल के आ रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो डिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1151.01 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेली 960 सिक्सटी करोर्स का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड डिसंबर 2021 ट्वेंटी वन की क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली थाउजेंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर फाइव करोर्स का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और रही बात कंपनी की

वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ बस इस एक ग्रोथ को छोड़कर बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर तो दिसंबर 2022 की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन दिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर तो गाइस डेट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे से yeah